छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में वन विभाग के ही रेंजर ने अपने उच्च अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि वन मजदूर से कराए गए कामों में मजदूर के हक का पैसा 18% कमीशन की मांग की जा रही है और कमीशन नहीं देने के कारण विगत 6 माह से पेमेंट नहीं किया गया है। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारी से चर्चा की गई परंतु उसमें किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया। इस आरोप को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे। समाचार प्रकाशन होने के बाद सुर्खियों में आने के पश्चात उच्च अधिकारी ने आरोप के संदर्भ में उच्च अधिकारी से चर्चा करने पर बताया कि संबंधित क्षेत्र के वन रेंजर के द्वारा मजदूरों के भुगतान के लिए जो सूची प्रेषित की गई थी उसमें भारी त्रुटि पाई गई, जिसे संज्ञान लेकर दूसरी नई सूची आने के बाद भुगतान करने की बात कही गई थी और कुछ समय अंतराल के बाद वन अधिकारी ने अपने क्षेत्र के संबंधित रेंजर को नजरअंदाज कर प्राथमिकता ना देते हुए किसी दूसरे क्षेत्र के रेंजर से मजदूरी भुगतान की कार्य की जा रही है, जो समझ से परे है और पूरा मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के जिम्मेदार रेंजर के माध्यम से मजदूरी भुगतान करने के बजाय किसी दूसरे क्षेत्र के रेंजर से मजदूरी का भुगतान करने की आवश्यकता आखिर क्यों आन पड़ी। यहाँ पर मामला उलझा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पकाई जा रही है और समूचे खिचड़ी काली क्यों नजर आ रही है। जिला जांजगीर चांपा से महेश शुक्ला की रिपोर्ट। हाँ, अभी लगभग 6 महीने से शक्ति रेंज के अंतर्गत लगभग 8-10 गांव का 750 मजदूरों का भुगतान बाकी है, जिसमें 55 लाख के आसपास का राशि शेष है, जिस पर आपत्ति निराकरण करके DFO के को भेजा जा चुका है। धनादेश जारी करते ही देंगे, ऐसा जैसे ही हमारा खाता में आता है उस पर भुगतान करेंगे। और इस पर शिकायत जो हुआ था, चूँकि जो DFO साहब है, मैडम साहब है, कि वो 18.5% की बात की थी, जिसमें समस्त वन रक्षक भी थे, मेरे डिप्टी सहायक भी थे, उन लोगों के द्वारा भी विरोध किया था, ये हम नहीं दे पाएंगे करके। फिर आगे क्या हुआ सर? फिर पत्राचार होते गया, फिर हाल्ट, और ज़्यादा हाल्ट होते गया, भुगतान हो नहीं पाया और अभी तक के वो चलते रहा है कि भुगतान, मजदूरी भुगतान हो जाए जल्द से जल्द। परंतु अभी एक नया घटना ये हुआ, 14/1 को पूरा 11 कर्मचारी, जो एक परिक्षेत्र सहायक और 10 वन रक्षक है शक्ति परिक्षेत्र से, वो वन मंडल में मेरे विरुद्ध शिकायत करके अपने नौकरी को छोड़ के, एक प्रकार से अपने कर्तव्य को छोड़ के, समस्त बीट बस्ता, मनी रसीद, कैश बुक एवं समिति खाता सब ले जाके वन मंडल में उपस्थिति ले लिए हैं और मैडम साहब द्वारा वो उपस्थिति स्वीकार भी कर ली गई है। ये आश्चर्यजनक है और मेरे लिए भी ये नया अनुभव हो गया कि भाई अपना कर्तव्य छोड़ के कैसे इस तरीके से अनुशासनहीनता वन रक्षक लोग कर सकते हैं। हाँ, दूसरी ओर कार्य आवंटन जो मैडम साहब द्वारा एक दिन बाद 15 तारीख को किया, 15/1 को, तो उनको मैं प्रभार दिलाना चालू कर दिया हूँ, जैसे जैसे आता है आते जा रहे हैं उस हिसाब से। परंतु जो काम करने के लिए उनके पास PUR और जो समस्त बीट बस्ता, मनी रसीद बुक ये होना चाहिए समिति खाता भुगतान के लिए, वो नहीं है। लगातार मांगे जाने के बाद भी DFO मैडम इस पर कार्रवाई नहीं करने कारण से मुझे उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखना पड़ा है और लिखते ही जा रहा हूँ लगातार कि इस पर कोई सुचारू व्यवस्था हो सके, वन वन्य प्राणी की सुरक्षा हो सके और जो षड्यंत्र साजिश पूर्वक का जो काम कर रहे हैं, कर्तव्यहीनता कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो। साथ में एक और चीज प्रकाश में आया है कि जिला अध्यक्ष है वन कर्मचारी का, जो बीट बलौदा में है, जो रेंज बलौदा रेंज के अंतर्गत आता है, उसके भड़कावे में और ध्वज दिखा के, संघ का ध्वज दिखा के इन सबको आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, जो प्रताड़ना अधिकारियों के बारे में प्रताड़ना लगा रहे हैं। जैसे पहले वन अधिकारी के खिलाफ लगाए, वैसे ही उसी को मेरे विरुद्ध लगा दिए और लगा करके जो दंडात्मक कार्रवाई, खुद को दंडात्मक कार्रवाई आपराधिक तरीके से कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए भागीदार भी बना चुके हैं। तो यही बात है जिसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि ये निलंबन के योग्य हो चुके हैं और विभागीय जांच इस पर होना चाहिए,
क्योंकि कोई भी, मेरे लिए भी बहुत पहला घटना है कि कोई अपने कर्तव्य को छोड़ करके प्रताड़ना का आरोप लगा कर दूसरे जगह कैसे उपस्थिति दे सकते हैं। बल्कि मुझे एक बार भी लिखते, मुझे बात बोलते या आसपास कोई और शिकायत उच्च अधिकारी को अपने कर्तव्य में रहते हुए कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रमोशन 11 तारीख को इसी महीने में हुआ, फिर उसके दो दिन बाद 14 को ये लोग जो पहले डीएफओ के विरुद्ध प्रताड़ना का आरोप लगा रहे थे वो एकाएक मेरे विरुद्ध लगाए होंगे। शायद थोड़ा इनको ये लगा होगा ये पोस्टिंग कहीं अन्य होगा रेंजर साहब का, तो हम क्यों ना डीएफओ के तरफ जाके मिल जाएं, इस तरीके से भड़कावे में किया होगा ऐसा कदम लगता है मेरे को। फिर भी वो अपनी नौकरी छोड़ना गलत काम किए हैं, इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और मजदूरी भुगतान जल्द से जल्द हो, इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं हम। और नए लोग काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, उसको यदि दस्तावेज प्रॉपर मिल जाए तो उसको पर्याप्त विजिट कराते हुए काम ले रहे हैं। आपके ऊपर 18% का रेंजर साहब जो शक्ति के हैं आपके विभाग के आदमी आरोप लगाए, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, कुछ प्रमाणक आए थे उनके रेंज से जिसमें त्रुटियां थी लेबर लिस्ट में, जिसके सुधार के लिए मैंने उनको दिया था। तो सुधार करने के बाद कुछ संदिग्ध दस्तावेज अलग से लगे हुए थे जिसकी जांच कमेटी गठित की गई है CCF द्वारा और जांच कराया जा रहा है, जांच रिपोर्ट भी आ गया है। उसके एवज में 3,24,000 रुपये का आज मैंने चेक काटा है, एक दो दिनों में चेक के माध्यम से सभी लेबरों का भुगतान कर दिया जाएगा। और अभी कुछ और प्रमाणक बचे हुए हैं जो भी जाँच के दायरे में हैं, उनका भी जाँच करके जल्द ही लेबर भुगतान करवाया जाएगा। जी मैडम, बताएंगे टोटल मजदूरों की जो राशि है कितनी होगी? लगभग 17 लाख के आसपास है। तो मैडम ये 7-8 महीने से रुका हुआ, तो सात आठ महीने से तो नहीं रुका है, ये करीब करीब 3-4 महीने का रुका हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.